यार चल सवार चल दुनिया नहीं ये बबल। ना 20 दफा गुजारा कर लो ना मोमो, क्या है चूड़ियां भी लेनी थी। अच्छा ना, अब क्या करें। माँ जी ये मेरे कपड़े इस्त्री कर दे, सुबह ईद की नमाज इन्हीं कपड़ों में पड़ के आऊंगा। चुप बेशर्मा, माँ बाप को छोड़ के तो अपनी ईद की शॉपिंग खुद करने चला गया है। ओ माँ जी क्या हो गया आपको यार, पिछले साल वाला शलवार कमीज है मेरा यार, इस साल तो मेरे पास नाई के पास जाने के पैसे नहीं है, नए कपड़े कहाँ से लाऊंगा यार। अरे भाई मेरा तो पिछले साल वाला कुर्ता भी ना चूहों ने कुतर लिया था। नबील एक काम करते हैं, तुम पहले ये जोड़ा पहन के नमाज पढ़ा ना, फिर बाद में मैं पहन के जाके नमाज पढ़ लूंगा, उसके बाद में बस कर दे। मैं मूसा पुराने कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनमें से कुछ पहन ले। अल्लाह जी पहली बार ऐसा हुआ कि ईद पे मेरे कपड़े ना बने हो। अरे मोमो क्या कर रही हो भाई, सुबह ईद है, क्यों रोने डाले हुए हो तुमने। एक काम करो, जाओ जाओ के ना तो सेवइयां बना लो मीठी वाली। दूध पत्ती चीनी कुछ भी घर पे नहीं है, क्या बनाऊं। ओ माँ जी नीचे जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब तो है ना, वो जितने मर्जी बुरे हो लेकिन ईद वाले दिन तो ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे ना। हाँ ना, ईद के बाद दोनों मिलकर बांट कर खाएंगे ना। तुम ना जोजी बहन का हाथ बटाओ जाके और मिलके कुछ बना लो। हाँ साथ में ना पाए भी बनाऊंगी इश्फाक। महमूद। हाँ हाँ महमूद के पाए बनाऊंगी इश्फाक। ओ चले यार, महमूद साहब नीचे चल के जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब से पूछते हैं, उसे तो उन्हें कुर्बानी में किसी मदद की जरूरत हो। हाँ यार चले आए, आखिर एक ही तो घर है। हाँ ना, 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 ना कुछ भी हो हम उनके किराएदार हैं, उधर पता किराया नहीं देते। जोजी बेगम देखिए कितना अच्छा प्रेस किया आपका सूट मैंने। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। एक काम कर, अपना भी सूट इस्त्री कर ले फटाफट, ते शीर खोरमा बना ले सवेरे ईद वास्ते। जी बेहतर जो हो। कितना सोना सूट है, मेरे ऊपर कितना प्यारा लगेगा। ना तेरे पे क्यों अच्छा लगेगा, ये मेरा सूट है पूरे 15,000 रुपए का। वैसे जोजी बाजी 15,000 का नया आ जाता है, आप पहने नए कपड़े। जी हमारे तो हालात ही अच्छे नहीं है, हम तो पुराने कपड़े पहन के ईद मनाएंगे। वैसे ईद पर ना आस पास के गरीब मस्कीन लोगों का ख्याल रखना चाहिए कोजी बाजी। हाँ जी, गरीब मस्कीनों का, मुफ्त खोरों का, बेकार और मकार कमीने लोगों का नहीं। अरे इसे छोड़े जोजी जी, हम तो इसलिए आए थे कि कल की कुर्बानी में अगर आपको किसी भी किस्म की हमारी मदद की जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। हाँ महमूद साहब 2 मिनट में गाय गिरा लेते हैं और 1 घंटे में गोश्त बना देते हैं। हाँ और वो भी कसाई से आधी कीमत पर। अरे ये तो घर की बात है। और मैं झटपट में सारा गोश्त मेट लेती हूँ। भाई हमारी तो पुरानी रीत है, कलेजी के नाश्ते के बगैर तो हमारी तो ईद ही नहीं होती। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसके बाद आपने ना अगली 2 राने जो हैं वो ऊपर भिजवा देनी है। और पाए भी। भाई बस कर दो ये नदीदो, शुक्र करो ईद की वजह से मैंने तुम लोगों को घर से नहीं निकाला। किराए पे किराए चढ़े जा रहे हैं और टीठों की तरह ऊपर से गोश्त भी मांग रहे हैं। भाई वैसे भी हमने गाय में से 1 हिस्सा लिया है और वो भी मस्जिद वाले खुद पहुंचा जाएंगे, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। बस 1 ही हिस्सा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। चलो चलो ऊपर चलो, और कल भी पूरा दिन ऊपर रहना तुम लोगों ने, थल्ले नहीं फड़कना और किचन में तो आंख उठा के नहीं देखना। चलो बड़े आए मदद करने वाले, हिस्सा चाहिए जी ने। चल भाई मुस्तकीम, जा तू अपने कपड़े इस्त्री करते, एक दूध पत्ती प्यार दे जी। आहो अच्छा मुस्तकीम साहब आए सर, ईद की नमाज का वक्त हुआ चाहता है, देर हो जाएगी। नबील मुझे लगता है मुस्तकीम साहब हमें बताए बगैर ही निकल गए हैं, आओ यार कि हमारी नमाज बिना निकल जाए। चले चले मुस्तकीम साहब, मेरा ख्याल रखिएगा। चले चले मुस्तकीम जी, तू क्यों चुप चुप के चाटियां मार रहे, ईद की नमाज पढ़ने नहीं गए। अरे जोजी बेगम दरअसल महमूद साहब और नबील मियां से छुप रहे थे हम, पिछले साल का जोड़ा पहना हुआ दोनों ने, कहीं हमारा नया सूट देखकर वो कोई शरारत ना कर दें, कोई चीज ना गिरा दें इसके ऊपर। ओए हद हो गई है मुस्तकीम तुम्हारे वाली। वैसे जोजी बेगम आपने हमें 1 ही जोड़ा लेकर दिया है, अगर ये भी खराब हो गया तो हमारी ईद भी उन्हीं की तरह होगी पुराने कपड़ों में। ओए चल मुस्तकीम जाके नमाज पढ़, टाइम थोड़ा रह गया, निकल ना जाए, वापस आके बावर्ची खाने के 100 काम करने हैं तो
तुमने? जो हुक्म जोजी बेगम, जो हुक्म। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओए अल्लाह हाफिज। मुस्तकीम साहब। अरे मुस्तकीम साहब रुके दो। मुस्तकीम साहब रुके दो यार। जी फरमाइए। अरे फरमाना क्या यार, आप अजीब आदमी हैं। सलाम फेरते ही जूतियाँ उठा के मस्जिद से भागे, ईद भी नहीं मिले आप यार। अजी जी ईद मुबारक, ईद मुबारक। अब हम चलते हैं, हमें देर हो रही है। एक मिनट यार, ईद तो ठीक तरह मिल ले, आप तो ऐसे भाग रहे जैसे खुदा ना खासदा में कोई खतरनाक बीमारी लग गई। नहीं दरअसल बात ये है कि हमें घर जाके किचन में 100 काम करने होते हैं। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, हम है ना, आज आपने टेंशन नहीं लेनी। गोश्त को टिकाने लगाने की जिम्मेदारी हमारी। हाँ जी जी, हमें आप लोगों की मदद दरकार नहीं है। अगर कुर्बानी के गोश्त में से एक बोटी भी इधर से उधर हो गई तो जोशी बेगम हमारी ईद खराब कर देंगी। यार मुस्तकीम साहब, ईद के दिन मिल बांट कर नहीं खाएंगे आप? जी जी नहीं, अब हम चलते हैं, देर हो रही है। जोजी बेगम हमारी रात तक रही होंगी, आधा वर्ष करते हैं। अरे बात तो सुने बात। यार नबील, लगता है इस मर्तबा ईद पर बिना चाय पापे का नाश्ता होगा। मैं मुझसे टेंशन न लें, अभी आपका बेटा जिंदा। देखिए ब्रेकफास्ट में मिलेगी आपको कलेजी, दोपहर में मिलेगी मटन रान, और शाम में मिलेगा आपको बीफ का नमकीन गोश्त। अगर ये आपको ना मैंने खिलाया तो मेरा नाम नबील नहीं। अच्छा, पर कैसे नबील, हमने तो कुर्बानी भी नहीं किया यार। हमने नहीं की ना महमूद साहब, लेकिन बाकियों ने तो की है ना। बस आपने करना ये है कि आपने घर घर जाना है और गोश्त मांग के लाके मुझे दे देना है, मैंने उसे धो के साइड पे कर देना, और रात में हमने करना है बारबेक्यू। कैसा? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो घर घर जाकर गोश्त मांगता फिरूंगा ईद वाले दिन। अच्छा तो चले फिर चुपचाप चाय पापे का नाश्ता करें। वो जो हमें चुपचाप जाके करना है वो चाय पापे का नाश्ता है। हाँ जी, इसका मतलब है कलेजी और कुलचे नसीब नहीं होंगे इस मर्तबा। तिलों वाले? हाँ ना। नहीं आज वो, आज वो, आज वो, आज वो। ईद मुबारक बाजी, ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। लाइन कोची बाजी, अब जल्दी से ना मुझे वो दे दे। वो क्या? वही जो ईद में देते हैं। मुबारकबाद देते हैं, अभी तो गले मिल के दी है। और ना जी ना, वो जो लिफाफे में डाल के देते हैं नोटिस, वो तो मैं कब का दे चुकी हूँ तुम टीठों को। तुम लोग कार खाली करने का नाम ही नहीं लेते हो। नोटिस नहीं बाजी, वो। ओ बस कर दे, बस कर दे, चूल्हे ठंडे पे हैं। तू मेरा भेजा पका दे पहले। आपका नहीं गाय का भेजा बनाऊंगी, ना मजेदार बनाती हूँ कि इश्फाक खुश हो के मैं डबल ईदी देते मुझे। हाँ 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 हाँ, ईदी याद आ गया बाजी, ईद है तो ईदी तो दे देना। ओ कौन सी ईदी, और तुम यहाँ कर क्या रही हो है? मैंने सख्ती से मना किया था कि तुम में से कोई भी मेरे बावर्ची खाने में पैर ना रखे। मैं तुझे हाथ बटाने आई थी, मैंने तो सारी हरी मिर्ची और ये सारी प्याज काट लिया हुआ है, जैसी गोश्त आएगा तो चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। गोश्त केड़ा, तुम लोगों ने तो कुर्बानी नहीं की। क्यों बाजी, कम से कम आप हमें 6-8 किलो गोश्त तो देंगी। 6-8 किलो? ओए गल सुन बीबी, हमने हिस्सा लिया था, पूरी मज नहीं ली थी, और इसमें से भी हमने आस पड़ोस गरीबों मिस्कीनों रिश्तेदारों में भी वंडना है। लो जी, हम रिश्तेदार भी हैं तो पड़ोसी भी हैं तो गरीब मिस्कीन भी हैं। वो देखा जाएगा, पहले गोश्त तो आ लेने दो। अभी तो तुम जाओ इधर से, मेरा बर्ची खाना खाली करो और निकल इधर से। निकल में क्या जी, चल जी। महमूद साहब देख रहे हैं? अरे कितना तगड़ा जानवर है। अरे तगड़े होने का क्या फायदा, हमारे किस काम का यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो नबील, हम सायों का है, गोश्त तो हमें भी भेजेंगे ना वो। यार आप क्या देख रहे हैं? अरे वो हम सायों का बैल और क्या। ओ यार हम सायों के बैल को छोड़ें, अपना बैल देखें। पापा जी, पापा जी। अरे सिद्दीकी साहब, यहाँ इसका मतलब खूबसूरत भी आ गई होगी। महमूद साहब अब हम मनाएंगे ईद। आए मेरे साथ और मेरे एक्टिंग के जौहर जरा चेक कीजिएगा। वो जो मैं तुम्हारे एक्टिंग के चेक करूंगा वो जौहर होंगे। हाँ जी आइए फिर, आज हो आज। अरे नबील, सलाम भाई, ईद तो मिल लो, ईद आई है भाई। क्या, अरे इसे क्या हो गया? एक्टिंग दिखा रहा है आपको। एक्टिंग? मैं कौन सा सीरियल बना रहा हूँ, ये एक्टिंग दिखा रहा है मुझे? अरे छोड़े ना पापा जी, आप मुझसे तो ईद मिले ना और आए अंदर चलते हैं। हाँ, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अरे ईद मुबारक, चलो चलो चलो, आइए आइए आइए। नबील मियां खैरियत?
आपका तो सारे का सारा मुंह घुटनों पे गिरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। पापा जी ईद मुबारक हो। लाइन कहाँ है हमारी? वो कौन भाई? बहू का पूछ रही है। नाना जी बहू नहीं, वो जिसकी लंबी लंबी दुम होती है जिसमें से ढेर सारा गोश्त निकलता है। गाय माँ जी, गाय। पापा जी गाय, गाय हमारी गाय कहाँ है? अरे मैं कोई गाय वाय नहीं लाया, मैं तो सिर्फ नबी से मिलने आया हूँ। ये तो मुझे ईद तक नहीं मिला, ईद का सलाम तक नहीं किया इसने मुझे। अरे चले पापा जी, आजे आजे आप मिल लेते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। लेकिन खूबसूरत से नहीं मिलूंगा। उसे कहे आए पहले मुझसे माफी मांगे। मगर खूबसूरत है कहाँ भाई? देखिए अगर आप आए गई या खूबसूरत और बाहर गाड़ी में शायद इंतजार कर रही होगी तो उसे अंदर बुलाए ना। अरे कम से कम ईद तो मिल ले सबसे। हाँ जी, उसे तो हमसे वो मांगनी चाहिए। वो क्या पना? अरे हाँ ना, उसे माफी मांगनी चाहिए हमसे, क्योंकि उसकी खातिर हम सब ने बातें सुनी है जो जी जी से। अरे खूबसूरत मेरे साथ नहीं आई भाई। अरे तुम क्या करने लगी हो? सच बताएं पापा जी, खूबसूरत ठीक तो है ना? कहीं उसने मेरी याद में खुदकुशी तो नहीं कर ली? पापा जी, पापा जी मुझ में बड़ा हौसला है, मुझे बता दे, सच बताए। लेकिन मुझे याद। अरे क्या बकवास कर रहे हो, खूबसूरत बिल्कुल ठीक है। तो वो आपके साथ क्यों नहीं आई फिर? क्योंकि वो अभी तक नाराज है। अरे बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने उसे, बस तुम्हें जाके उसको मनाना है। मुझे मनाना पड़ेगा? क्या मतलब पापा जी? मतलब ये कि जाके हाथ पांव जोड़ो, मिलने समाजत करो, शायद मान जाए। वाह जी वाह, लड़के वो खुद गई है और हम यहाँ चाय पापे पे गुजारा कर रहे हैं, और माफी भी मैं ही मांगू? हरगिज़ नहीं। देखो भाई, माफी के बिना नहीं मानेगी वो। मैंने उसे बहुत समझाया है पर तकरीबन मान गई है, बस तुम जाके उसके पैर पड़ जाओ। पापा जी पैर पकड़ लो, मैं माफी नहीं मांगूंगा उससे। अब देख लो भाई, इसी तरह तुम्हारा घर बच सकता है। और वैसे भी तुम्हें क्या इतराज है घर दामाद बनने में? क्या हो गया पापा जी, मुझ जैसा खुददार आदमी घर दामाद कैसे बन सकता है? पापा जी तुम खुददार? पापा जी क्या हो गया आपको यार? आपने तो कॉमेडी शुरू कर दी है यार। बोलने में क्या है, जरा डायलॉग में वो आ जाता है, वजन आ जाता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं अपने ससुर के घर पे जाकर रोटियां तोड़ूं। मगर तुम तो हमेशा ही चाहते थे। मैं जाऊंगा, लेकिन मैं आपके यहाँ मुफ्त में नहीं खाऊंगा। मुझे ना 4-5 महीने अपनी फैक्ट्री में मुलाजिम रखे, मैं अपने खून पसीने की कमाई खाना चाहता हूँ पापा जी। और यार आप सब छोड़े, आप फ्लाइट चेक करें, मोबाइल निकालें, मैं सबको बता के आ रहा हूँ। चेक करें मोबाइल निकालें। है कितना प्यारा कलेजी कलर का सूट पहने है, कहीं से कुछ थोड़ी कलेजी नहीं मिल सकती? कलेजी कहाँ से मिलेगी भाई इस पर? थोड़ी आप दे देना अपनी कलेजी। क्या बातें कर रही हो मोहो? मैं वो सामाजी लाहौर जा रहा हूँ खूबसूरत। अरे बबो चलो जल्दी से पैकिंग करो जाके। हाँ गरम कपड़े रख लेती। अरे गरम में तो वहाँ भी होगी ना, लेकिन थोड़े से गरम कपड़े रख लो क्योंकि सारा दिन तो हम एसी में बैठा। एक मिनट, आप लोग लाहौर जाके क्या करेंगे? हमारी बहू का घर है, हम वहीं रहेंगे मजे से। माँ जी एक्चुअली मैं अकेला जा रहा हूँ खूबसूरत के पास, अब मैं वहीं रहूंगा। शाबाश बेशर्मा, अपने माँ पियो को ईद के दिन छोड़ के जा रहा है, इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था। माँ जी, अरे माँ जी मेरी बात तो सुने यार, हद करती हो नबील, तुम भी को खुदा का खौफ करो। अरे ईद वाले दिन अपनी माँ को रुला दिया तुमने यार। अरे भाई क्या हुआ, सब खैर तो है? कुछ नहीं बाबा जी, वो मैंने माँ जी को बताया कि मैं इस तरह लाहौर जा रहा हूँ छोड़कर, तो वो रोने लग गई है यार। अब इतना तो बनता है, बेटा घर से रुखसत हो रहा है, समझ जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। मैं तेरा माँ जी को देख लूँ, रो रही थी। हाँ देखो। अरे मोमो चुप करो ना, मत रो, बस करो मोमो। माँ जी प्लीज रोए मत यार। माँ को ईद के दिन छोड़ के जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि रो भी ना। वैसे तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप का इतना सा ख्याल भी नहीं आया नबील? यार आया तो था मैं मुसाब, लेकिन पापा जी की ऑफर बहुत अच्छी है, मैं क्या करता। वैसे बड़े ही घटिया तरीन आदमी हो तुम नबील। यार मैं आप लोगों के खर्चे उठाऊंगा ना, आप लोग यहाँ याशी करेंगे। क्यों, तेरा ससुर कौन सी जायदादें दे रहे हैं तुझे? ओ माँ जी जायदाद नहीं पापा जी, नौकरी दे रहे हैं। अगर मुझे नौकरी दे रहे हैं तो कम से कम 5 लाख रुपए तो देंगे ना। 5 लाख? अरे बहू उदास मत हो भाई, तुम्हारा बेटा नौकरी पे जा रहा है।
बूढ़ी माँ को छोड़ के जा रहा है जिसे न दिखाई देता है न तो सुनाई देता है। हाँ, और तुम्हारा बूढ़ा बाप जिसको शुगर ब्लड प्रेशर जोड़ों का दर्द उसे छोड़ के जा रहे हो। ओ यार क्या हो गया आप लोगों को, इनमें से कोई बीमारी भी नहीं है यार। अरे तुम्हारे जाने के बाद हो तो सकती है ना भाई। तो आप लोग क्या चाहते हैं, मैं ना जाऊं? आप चाहते हैं फाकू की नौबत तो पहले ही आई हुई है, जोजी बाजी भी हमें घर से निकाल दे धक्के मार के। ना पुत्र तू जा, हर महीने घर का किराया और खर्चा जरूर भेज देना, पर जाने से पहले हमारी ईद तो अच्छी कर जा। हाँ, कम से कम भी एक गाय या एक ऊंट की तो कुर्बानी बनती है ना, क्यों मामो? हाँ, ताकि मैं भी ना कोजी को जलाऊं। एक हिस्से पे इतना अतरा रही थी, अब जब मैं पूरा ऊंट जबा करवाऊंगी ना फिर देखना। मजा आएगा यार। अब मैं ऊंट कहाँ से लाऊं? अरे यार तुम अपने पापा से कहो ना, अगर उन्होंने बेटी का घर बचाना है तो ऊंट की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। अच्छा यार, मैं पापा जी से बात करता हूँ। हाँ जाओ करो, हाँ दोगे, बस अब नहीं रोना तुमने। गाना सुनाए मुझे। हाँ कौन सा सुनोगी? हाँ ठीक ठीक, थैंक यू। अरे हाँ नबील भाई, वो 8 बजे की रात की फ्लाइट बुक हो गई है, बस तुम पैकिंग कर लो। पाजी मैंने क्या पैकिंग करनी है यार, मैं बस इसी जोड़े में जाऊंगा, बाकी तो सारी शॉपिंग आप कराएंगे, मैं कहाँ वजन उठा के जाऊंगा। अच्छा तुम्हारे माँ बाप मान गए? पापा जी मान तो गए हैं, पर आपको हर महीने उनका खर्चा उठाना है, यानी घर का किराया और उनकी पॉकेट मनी भेजनी होगी। हाँ यार बस वो मैं कर लूंगा, बस तुम ले जा खेला खूबसूरत के साथ, बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। और पापा जी एक ना दूसरी शर्त भी है माँ जी और महमूद साहब की। दूसरी शर्त? वो क्या? पापा जी उनकी दूसरी शर्त ये है कि मैं भरपूर उनके साथ ईद मना के जाऊँ। अच्छा, ये भरपूर ईद कैसे मनाओगे तुम? ज्यादा कुछ नहीं है पापा जी, बस एक छोटा मोटा ऊँट कुर्बान करना होगा। ऊँट? वो पापा जी इतना उछल क्यों रहे यार, आपने तो माइंड ही कर लिया। मैं ऊँट का कह रहा हूँ, मैं कौन सा करूँ, शेर आती लाएंगे। अब यार ऊँट ऊँट मैं ले सकता हूँ। देखो वैसे लाहौर में मैंने एक गाय और 2 बकरे रखे कुर्बानी के लिए। पापा जी कंजूसी ना करे, चले ऊंट नहीं एक बकरा तो लेके दे सकते हैं ना। पापा जी मैं ना अपने माँ बाप को खुशी खुशी छोड़ना चाहता हूँ, अपनी बेटी का घर बसाने के लिए आप इतना तो कर सकते हैं पापा जी। अच्छा भाई हद हो गई यार, तुम ये लो 1 लाख रुपए और जो करना जल्दी करो जी। पापा जी थैंक यू पापा जी, पापा जी आई लव यू पापा जी, आई लव यू पापा जी। मां जी मैं मूसा, मां जी चल मुस्तकीम छेती छेती खोल, वरना ऊपर वाले सुनते सुनाते ना कलेजी की खुशबू थल्ले आ जाएंगे। भाई वाह, तबीयत खुश हो गई। जो कि देखा इतनी अच्छी और लजीज कलेजी पकाने पर कोई इनाम तो होना चाहिए, और वैसे भी आज ईद का दिन है, 5,000 के 2 नोट से काम नहीं लूंगा। चुप कर, पहले इतने खर्चे होंगे। अरे वाह वाह, कलेजी खाई जा रही है भाई वाह। वो क्या है कि इसमें नमक ज्यादा हो गया इसीलिए हमने ऊपर नहीं भेजी आपको। लाओ ना, चेक तो करवाओ भाई। नहीं 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 सदीकी, तुम्हारा तो ब्लड प्रेशर बड़ा हाई है ना, इतना तेज कौड़ा जहर कर दिया नमक मुस्तकीम ने। मैं कह भी रही थी मैं नहीं खाने दूंगी तुम्हें ये। अच्छा चलो कुछ और बनवा दो भाई, जब से आया हूँ किसी ने खाने का पूछे नहीं, बड़ी भूख लग रही मुझे। ना सदीकी हम कैसे पूछते, ये बताओ 6 महीने का किराया नहीं भरा है उन लोगों ने, हम तो अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। जोजी बेगम आप दिल छोटा मत कीजिए, अब सिद्दीकी साहब आ गए हैं, अगला पिछला हिसाब बराबर कर देंगे, सब पैसे दे देंगे ये। अरे लो मैं क्यों दूंगा किराया भाई, मैं तो सिर्फ नबील को लेने आया हूँ, और बाकी उन दोनों का क्या करना है ये तो तुम जानो, मैं किसी का खर्चा नहीं उठाऊंगा। अरे मैं तो कहता हूँ दोनों को बाहर निकाल दो। हैं? तो मेरा पिछला किराया? भाई एक काम करो ना, तुम उनका सारा सामान जब्त कर लो। जनाबे मोहतरम उनके सामान से क्या बरामद होगा भला? भाई ये मेरा मसला नहीं है। हाँ कोई फिक्र ना करे, मैं भी एक एक पाई उनसे वसूल करके रहूंगी, जो जी नाम है मेरा जी। अच्छा चलो भाई छोरवा ही दे दो यार, अब खा लेते हैं उसके तक कोई बात नहीं, तुम हमें बोटी ना दो छोरवा दो, ये लो ये लो तुम भी रोटी खाओ, दो दो दे दो ना। महमूद साहब आपने देखा, आपके मुंह से बड़ा दिल है मेरे सुसर का। नबील पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं पापा जी ने बकरे के लिए। यार नबील कितना मजा आएगा, आखिर हमारे घर भी कुर्बानी हो रही है। शुक्र मनाए महमूद साहब, मेरी वजह से कुर्बानी हो रही है, और 10-15 दिन हमने सिर्फ अब बकरे का गोश्त खाना है, बकरे का। हाँ ना, जो जी जी को ना दिखा दिखा के खर्च खाएंगे। नबील दिन तो लो ना यार, पूरे है भी के नहीं? हाँ भी गिन लेते हैं। मटन की डिशे पकनी है पापा जी। मैं कह रही थी गोश्त सानू दे दियो, मैं मुस्तकीम से पकवा दिया करूंगी, सारी डिशे जो भी तुम्हारा दिल करेगा मुमताज बहन, मिलजुल के खा लिया करेंगे। एक बोटी नहीं दूंगी तुझे मैं,
नीचे से इतने मजेदार कलेजी की खुशबू आ रही थी जो तुम लोगों ने लुका लुका के खाई है। अच्छा ये फरमाइए कि ये बकरा कितने का दिया आपने? 1.5 लाख रुपए का। जी 1.5 लाख? मैंने तो 1 लाख दिया था सिर्फ। 1 लाख रुपए आपने दिए थे, 50,000 हमने खुद डालने हैं। भाई कुर्बानी का जानवर है तो जो दिल को लगे वही लेना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, बस यार जल्दी कसाई को बुलाओ ताकि कुर्बानी खत्म हो। जी जी जी, ऐसे कैसे कुर्बानी खत्म करो? रुको, अरे क्या हुआ बच्चा? अरे ये बकरा चोरी का। अरे भाई चोरी का कैसे हो सकता है, मैंने पैसे दिए। हाँ रबीर बताओ ना। पापा जी ये लोग सच कह रहे हैं, ये बकरा हमारा नहीं है। इसके लिए ना आप एक फ्लैशबैक देखिए। चलो गिन लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हमें दो पापा जी को तो फिर ये बकरा आपने लिया कैसे? हाँ बिल्कुल सही, कहाँ चला? उसके लिए एक और फ्लैशबैक देखिए आप लोग। हाँ देखिए। हाँ भाई बड़ा प्यारा बकरा है, कपड़ों की मैचिंग भी चल रही है। मैं करीब ही रहता हूँ, अभी तक कुर्बानी नहीं की? नहीं अभी कसाई नहीं आया। अच्छा अच्छा कसाई नहीं आया, चॉकलेट खाओगे? ये लो तुम चॉकलेट खाओ, मुझे पकड़ाओ बकरा, मैं ना अभी इसको घुमा के लाता हूँ। आओ भाई आओ, बड़ा प्यारा बकरा है, आजा 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 आजा। मेरा बकरा, मेरा बकरा देखे जाओ। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? वो बकरा ले गए मेरा। कौन? अरे रुको, अरे अच्छा तुम इधर ही ठहरो, मैं उसको पकड़ता हूँ। और शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे भट्ट साहब रहने दिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप बकरा ले जाए, ले जाओ भैया ले जाओ। हाँ बकरा तो ले जाएंगे सिद्दीकी साहब, लेकिन ईद का दिन है कुछ, ईदी वगैरह। अरे बस करें ना, बकरा लेके जाइए। अच्छा चलो लो ये बकरा, चलो चलो। मैं ना सामान ले आऊं, मेरी ना बेसिकली फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं सामान ले आऊं। मामा मुझे खुश्क रोटी पका दो, पानी में डुबो के खा लेता हूँ। लो जी इससे अच्छा तो हमारा हिस्से का गोश्त था, कम से कम चोरी का तो नहीं था ना। मुस्तकीम आहा चल चल के बीफ का पुलाव बना, तो उत्ते गंडों का तड़का ला और कुंडी लगा के खाते हैं हम। जो चलो चलो आओ जो। आए पापा जी अंदर चलते हैं, मैं दरवाजा बंद कर दूं, कोई फ्लैश बैग बचा तो नहीं? मेहमान साहब आए मेरे यार। मेहमान साहब आपने मेरी माँ का ख्याल रखना है, ज्यादा अपना कम रखना है आपने। कोई नहीं पुत्र, महीने में 2-3 बार हमें बुला लिया करना। नवील हमारा खर्चा पानी याद से भेज देना, तुम बहुत भुलक करो भूल जाते हो। अरे महमूद साहब खर्चे की तो कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, पानी अलबत्ता आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको कसम है आपने नहाना है। अरे बाबा जी बस बस निकलते हैं, मैं जरा मुलाकात कर रहा था आखिरी इनसे। कोई जरूरत नहीं आखिरी मुलाकात करने की। क्यों बाबा जी ये लोग भी क्या हमारे साथ चल रहे हैं? चुप, मैं किसी को नहीं लेके जा रहा। खूबसूरत ठीक कहती थी, तुम इस काबिल ही नहीं हो, तुम कभी नहीं सुधर सकते। बस मैं लाहौर जा रहा हूँ और वहां जाते ही तुमको खुला का नोटिस भिजवाऊंगा। पापा जी चल यार चल, उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल दुनिया नहीं ये बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई गाए जाए चलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए। अच्छे लगने लगे हो, आदत न बन जाओ। क्यों?
तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना वर्ष हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।